लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं साक्षी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में उन रिपोर्ट्स और खबरों को दबा दिया जाता है जो इन पर सवाल खड़ा करे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इस सरकार में उन रिपोर्ट्स और खबरों को दबा दिया जाता है जो इन पर सवाल खड़ा करे। ऐसी रिपोर्ट सिर्फ लीक होती है। सर्वेक्षण से पता चला है कि भारतवासियों के महीने के औसतन खर्चे में 3.7% की गिरावट आई है। इस तरह की गिरावट 40 साल में पहली बार आई है। जो व्यक्ति 2011-12 में महीने का 1,501 रुपये खर्च करता था वह 2017-18 में 1,446 रुपये ही खर्च कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कश्मीर मुद्दे को भी उठाया और कहा कि कश्मीर पिछले 103 दिनों से लॉकडाउन की स्थिति में है। पीएम मोदी पूरे विश्व में सब चंगा सी ऑल इज वेल कह रहे हैं। कश्मीर में न मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, न आरती की मधुर वाणी सुनाई दे रही है, न मस्जिदों से अजान की आवाज, न मोबाइल फोन बज रहे हैं, न बिजली है, न ही दवाइयां हैं। ये कैसा समाधान है जिसमें लोगों से बात करने की इजाजत नहीं है? बिजली नहीं है, दवाई नहीं है, कश्मीर कर्फ्यू में कश्मीर परेशान है और आप कहते हैं कि हो गया समाधान। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।